नगर निगम ने बेलदार के यहाँ मंगलवार को लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा, इसकी जांच जारी है। इस छापे में अनुपातहीन संपत्ति मिलने की संभावना है। बता दें कि सुबह करीब 5 बजे इंदौर लोकायुक्त की टीम ने डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल की अगुवाई में नगर निगम बेलदार रियाद उल हक अंसारी के नीलतागंज स्थित घर पर छापा मारा। नगर निगम के जोन 5 में रियाद उल हक राजस्व प्रभारी के पद पर पदस्थ बताया जाता है। आपको बता दें, पहले भी लोकायुक्त पुलिस इंदौर नगर निगम के एक बेलदार असलम खान के हाथ छापा मारा था, जिसमें करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हुई थी। रियाद उल हक अंसारी ज्यादातर समय नगर निगम के जोन नंबर 10 में बिल कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहा है। कार्य के प्रति लापरवाही के चलते आयुक्त आशीष सिंह ने 3 माह पूर्व उसे निलंबित कर दिया था, लेकिन 8 दिनों पूर्व ही उसे पुनः बहाल कर लाइसेंस विभाग में पदस्थ किया गया था। अंसारी कभी भी एआरओ नहीं रहा, केवल बिल कलेक्टर है। कार्रवाई हुई आज यहाँ पर? आज लोकायुक्त इंदौर की सर्ची कार्रवाई है, जिसमें नगर निगम में पदस्थ बेलदार रियाजुल हक अंसारी के घर पे सर्च की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया इनका जो है देवछाया अपार्टमेंट 404 में रहना पाया गया, जिसमें ये इनकी माता की, इनका छोटा भाई निवासरत है, साथ ही इनकी बहनें भी इनके साथ रहती हैं। इनके एक और बड़े भाई हैं जो नीचे 302 में रहते हैं, और एक जो दूसरे भाई हैं वो ऊपर पेंट हाउस में रहते हैं। पेंट हाउस में ये खुद भी साथ में उनके निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिजा लाइफ स्टाइल में इनका एक भूखंड है H22, जिसमें अभी इनके द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा। इनके घर में जो है अभी डस्टर वाहन है एक इनका, वो पाया गया है। 50,000 से अधिक की नकदी अभी मिली है, साथ में कुछ स्वर्ण आभूषण भी हैं। और एक इनकी दुकान जेल रोड पे थी, जिसको इनके द्वारा बेचा जाना पाया गया है, और बाकी की जानकारी अभी और जुटाई जा रही है।